देश में लॉकडाउन के चलते जोधपुर निवासी डॉक्टर विवेक मेहता अपनी मंगेतर पूजा को सरप्राइज देने के लिए बीकानेर के गंगा शहर में आए और वहीं फंस गए। वह अहमदाबाद से 21 मार्च को गंगा शहर आए थे और लॉकडाउन के चलते वापस नहीं जा सके। बाद में लॉकडाउन 19 दिन और बढ़ गया। अब कुवारे विवेक मेहता इतने दिन ससुराल में कैसे रुकते? ऐसे में जैन समाज के मुखिया से बातचीत के बाद परिवार वालों ने डॉक्टर विवेक और उनकी मंगेतर पूजा को शादी के बंधन में बांधने का निर्णय लिया। हालांकि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के नियमों को देखते हुए समारोह में बाहर से किसी को शामिल नहीं किया गया। इसके बावजूद घर में ही मेहंदी हल्दी से लेकर फेरे तक की सारी रस्में पूरी की गई। यहाँ तक कि मोबाइल से ही प्री वेडिंग शूट भी किया गया। वहीं डॉक्टर विवेक के घर वाले इस शादी में ऑनलाइन शामिल हुए और मोबाइल पर सारी रस्मों के साक्षी बने। हमारी शादी 12 अप्रैल को फिक्स हुई थी और मैं 21 मार्च को इनको सरप्राइज देने आया था अहमदाबाद से, और 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगा और उसके बाद लॉकडाउन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उसके बाद किसी का घर से निकलना मुमकिन नहीं था, तो मैंने यही निर्णय लिया कि मैं अपने इन-लॉज के घर पर ही रह जाता हूँ। और जैसे जैसे लॉकडाउन की अवधि बढ़ती गई, हमारी शादी की डेट निकल गई, तो मेरे परिवार वालों ने और सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि शादी की तारीख 20 अप्रैल रखी गई और ये निर्णय लिया गया लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए शादी की जाए। तो हमने सभी रीति रिवाजों का पालन करते हुए शादी की सारी रस्में अदा करी। काफी पॉजिटिव वाइब्स लेके आया, जैसे कि इससे इनका और मेरे बीच में, इवन हमारी फैमिली के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। और फिर हम लोगों ने 20 अप्रैल को शादी का डिसीजन लिया। उसके बाद जो हमने फंक्शंस वगैरह किए, सारे फंक्शंस पूरे किए, और मेरे इन लॉज, इवन मेरी सास ससुर, सबने ये शादी ऑनलाइन अटेंड की और हमें आशीर्वाद दिया।